स्वागत है आपका डेली नौकरी के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल से बंपर भर्तियों की अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, बहुत बढ़िया मौका जो है वो उत्तर प्रदेश डाक विभाग से आ चुका है। मैं आपको बता दूं, सीधी भर्ती होने जा रही है और 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका जो है वो आ चुका है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सभी सरकारी नौकरियों की अपडेट्स, सरकारी रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट dailynaukri.com को भी जरूर चेक करें। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं उत्तर प्रदेश से आ रही सरकारी नौकरी के बारे में। यहाँ जो वैकेंसीज आ रही है वो ग्रामीण डाक सेवक की आ रही है और 3951 वैकेंसीज। अब आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एज लिमिट बताऊंगी। जो रिक्वायर्ड एज लिमिट है वो 18-40 इयर्स और ये जो कैटेगरीज है इनको रिलैक्सेशन रहेगी एज में। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, आपने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश और इसके साथ साथ आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ी हो अप टू 10th स्टैंडर्ड। और दोस्तों, आपके पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट जो है वो होना बहुत जरूरी है। पर जिन कैंडिडेट्स ने 10वीं 12वीं या हायर क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है तो उनके लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पे स्केल देखते हैं। इधर मैं आपको डिटेल में पूरा पे स्केल बताऊंगी। देखिए, बीपीएम और एबीपीएम डाक सेवक के लिए इधर मैंने पे स्केल दे दिया है। मिनिमम टीआरसी है फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स और लेवल 1 और लेवल 2 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि क्या वेरिएशन है पूरे पे स्केल में। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में कि क्या भर्ती की प्रक्रिया रहेगी। मैं आपको बता दूं, मैं डिटेल में आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बताऊंगी, इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताऊंगी। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही सब्सक्राइब कर लोगे आपको तुरंत सरकारी नौकरी की अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होने जा रही है, मतलब सीधी भर्ती होने जा रही है। अब एप्लीकेशन फी जो है वो आपको कैटेगरी वाइज पे करनी है। जैसे यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल को 100 रुपीज और ये कुछ कैटेगरीज है जिनको कोई एप्लीकेशन फी नहीं भरनी है। अब बताती हूँ आपको कि कैसे फी पे करनी है। आपको ऑनलाइन पे करनी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एप्लीकेशन सबमिशन और फी सबमिशन की। देखिए, जो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी सबमिशन इज 22 अप्रैल 2020। दोस्तों, आपको अपने आवेदन जो है वो कैसे भेजने हैं, सिर्फ ऑनलाइन मोड से। अगर किसी अन्य मोड से भेजोगे तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में डेली नौकरी के लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो उधर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो है उत्तर प्रदेश डाक विभाग से आ रही ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर और जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, उधर जाकर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं।